हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले सॉरी कि वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था गाइस, बट अब से रेगुलर वीडियो आएगी, एक या दो दिन में एक वीडियो जरूर आएगी। गाइस तुम लोग अगर यूट्यूब में सर्च करोगे कि फ्री फायर में वन टैप कैसे मारा, तो तुम लोग के सामने भर भर के वीडियो आएगी। रोटेशन ड्रैग, स्ट्रेट ड्रैग, अप ड्रैग, डाउन ड्रैग, बट कोई ये नहीं बताता कि हेडशॉट कैसे नहीं लगता है, सब हेडशॉट के लगने के ट्रिक देता है। तो मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग को ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम लोग के हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर कर दे वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और हम वीडियो बनाए ऐसे ही। तो गाइस जो फर्स्ट नंबर मिस्टेक है वो है ओवर ड्रैग। इस क्लिप में देखो मैं रोटेशन ड्रैग किया फिर भी मेरा हेड कनेक्ट हुआ। स्लो मोशन में देखो मैं रोटेशन ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन मेरा फिर भी हेड कनेक्ट नहीं हुआ। हेड कनेक्ट नहीं होने का एक ही रीजन है, वो है ओवर ड्रैग। तो गाइस आप लोग को ओवर ड्रैग नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहला मिस्टेक समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो चलिए गाइस दूसरा मिस्टेक्स की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा मिस्टेक्स जो है वो है एमिंग मिस्टेक्स। अब जैसे कि देखो इस क्लिप में हम स्ट्रेट ड्रैग भी किए, रोटेशन ड्रैग भी किए, फिर भी हेड कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका एक ही रीजन है गाइस, एमिंग मिस्टेक्स। मेरा एम जो है वो एनिमी से बहुत ही ज्यादा दूर है और ना ही हम उसको रेड होने दे रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ही ड्रैग कर दे रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है कि एनिमी से बहुत ही ज्यादा दूर में एम को नहीं रखना है, उसके आसपास में ही रखना है और ड्रैग करना है। अभी जैसे कि देखो हम अभी इस क्लिप में अभी देखो हमारे ओनली रेड नंबर लगा, तो वो कैसे लगा उसको स्लो मोशन में देखो। मेरा एम जो एनिमी के पास में है, बहुत ही नजदीक में, ना ही दूर में, जो कि दूर में से आपका एनिमी से गोली कनेक्ट नहीं होगा, या तो रिक्वायल हो जाएगा या तो वो बॉडी में लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोग को ये दूसरा मिस्टेक समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड नंबर टिप्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 80% बंदे को नहीं मालूम रहता है, जिसके वजह से उसको सामने वाला बंदा थप्पड़ मार के चला जाता है। गाइस ये जो मिस्टेक है थर्ड नंबर, ये सिर्फ तुम लोग कस्टम में नहीं, ये तुम्हारा बीआर रैंक हो या सीएस रैंक हो, हर जगह तुम लोग करते हो, इसीलिए तुम सामने वाले बंदे को नहीं मार पाते। तो आखिर वो है मिस्टेक कौन सा? तो वो है गाइस रॉन्ग प्रेडिक्शन। अब जैसे कि इस क्लिप में देखो हमको लग रहा था कि या तो एनिमी राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, लेकिन वो मेरे को पीछे से मार देता है सरप्राइजली। इसमें मर जाने का रीजन है गाइस रॉन्ग प्रेडिक्शन, यानी कि गलत सोच। अरे अरे गाइस, यानी कि गलत अंदाजा। अभी देखो मेरे सामने बंदा राइट से गया, ये राइट में आएगा लेकिन ये लेफ्ट से आके मेरे को मार दिया। गाइस हमेशा आपको एनिमी को प्रिडिक्ट करते रहना है कि वो आपको नेक्स्ट मूव उसका किधर होने वाला। अभी जैसे कि देखो मैं सामने मेरे एनिमी से भी 1v1 कर रहा हूं, तो इधर से मेरे को लग रहा है कि राइट से आएगा और देखो आ ही गया, तो इसको मुंह पे वन टैप लग गया। गाइस मैं इस वीडियो में जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हूँ वो सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।